Lo tiene. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों दोस्तों आज हम चोलिस्तान डेजर्ट में जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये मोटर बाइक एक तैयार है और दूसरा मोटरसाइकिल जो है वो भाई आवाज उसकी निकाल रहे हैं, और उसके साथ साथ ये भाई मेरा छोटा और वो हमारा दोस्त है। और इस भाई को तो आप जानते ही होंगे, शफीक रियाज, और इसके काफ़ी सारे चैनल भी हैं। तो विज़िट चोलिस्तान मेरा चैनल है और विज़िट पंजाब वन इसका चैनल है। जी तो दोस्तों आज का हमारा विज़िट है चोलिस्तान में नवे कोट के साथ, थोड़े से फासले पर है खीरसर। तो खीरसर पर काफ़ी सारे ऐसे कुएँ मौजूद हैं जहाँ कैमल की मदद से पानी निकालते हैं और तमाम जानवरों को पानी पिलाते हैं। तो हम खीरसर पहुँचने ही वाले हैं, तो खीरसर पहुँच कर तमाम व्यूअर को ये दिखाएंगे कि चोलिस्तान में कितनी मुश्किलात का लोग सामना करते हैं। जी तो दोस्तों ये खीरसर की आबादी है, गोपे हैं, तो यहाँ से हम चंद दोस्तों के साथ हम रवाना हो रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं उन कुओं की तरफ जहाँ से कैमल की मदद से पानी निकालते हैं और तमाम जानवरों को पानी पिलाते हैं। तो उम्मीद है आज की वीडियो तमाम दोस्तों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर लें ताकि हमारे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तमाम दोस्तों तक बर वक्त पहुँच सके। तो जिस तरह आप देख सकते हैं कि कैमल एक रस्से की मदद से वो पानी का जो बोका होता है कुएँ निकाल रहे हैं, तो अंकल जी उस बोके को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद पानी को दूसरी जगह उल्टाएंगे। तो वो बोका बाहर आ चुका है और अंकल जी ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद देख सकते हैं कि दोस्तों ये पानी उल्टाया गया है। तो इसके बाद हम आपको ये भी दिखाएंगे कि पानी ये जा कर रहा है और जानवरों को किस तरह पानी पिलाएंगे। तो आपने हमारी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो तमाम नए आने वाले व्यूअर से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो अभी वो पानी वाला जो निकालने के लिए वो बोका वगैरह बनाया वो इस कुएं के अंदर गया हुआ है। तो ये ऊँट जा रहा है, ऊँट जाने के बाद अभी पानी बाहर आएगा, आपको दिखाते हैं। साथ दोस्तों को ये बता दें कि ये पानी पीने के लिए नहीं है, ये जानवरों को पानी पिलाने के लिए है, क्योंकि ये पानी कड़वा बहुत है। पीने के लिए जो पानी होता है वो बारिशी पानी इस्तेमाल करते हैं। जी अभी ये वो बोका बाहर आ गया पानी वाला, तो अंकल जी ने पकड़ लिया। पकड़ने के बाद ये पानी इस जगह पर डालते हैं, तो पानी जहाँ से होता हुआ यहाँ से होता हुआ पानी आ जाता है जी इस जगह पर। ये देख सकते हैं कि आप पानी यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, तो जानवर जब पानी पीते हैं तो वो जगह भी आपको दिखाते हैं। ये भी एक कुआँ है और जानवरों के पानी पिलाने के लिए उन्होंने इस जगह से पानी का, जानवरों को पानी पिलाते हैं तो इस जगह से पानी निकलता है और इस जगह पर आता है। तो यहाँ से तमाम जानवर पानी पीकर फिर अपने घास चरने के लिए निकल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा जी क्या हाल है? ये जगह केड़ी है भला? खीरसर। ए इतना पानी दी सहूलत कहीं नहीं कोई भी? कोई सहूलत कहीं नहीं, पानी दी खारा पानी। ए जड़ा तुसा पानी कढेंदे पे इंदे विचो? ए पानी कौड़ा है मीठा है? कौड़ा है। ए कितनी यानी के थलू जमीन कितनी तय तू पानी निकला वे? 12 फुट। अच्छा अच्छा 12 फुट तले पानी नहीं? ओ तो 12 फुट झीका कितना खू थले? सही। ए पीवण वाला पानी कितो दे? पानी अबू दे ताका के चल थू पीने। अच्छा ओ पानी पीवण वाला लादा होंदे? वो बारिश है या वाटर सप्लाई है क्या है? वो बारिश ही पानी इकट्ठा देंदे होंदे पीवण दा इस्तेमाल करेंदे, तो जानवरों को यो कौड़ा पानी पी लेंदे? जानवरों को यो पी लेंदे।
अच्छा अच्छा जी। तो दोस्तों तमाम दोस्तों को ये बता दें कि ये कुएं का पानी जो है बहुत ही कड़वा पानी है। तो इस कुएं की गहराई जो है तकरीबन 150 फुट गहराई है और ये कुएं को खुद ही ये लोग बनाते हैं। और इसको बनाने के बाद इसको जो ईंटें अंदर नहीं लगती, जो इसके अंदर से चूना निकलता है, चूने की मदद से इस कुएं को इसकी लिपाई करते हैं ताकि ये मजबूत रह जाए। तो खीर सर पर तकरीबन अभी जो कुएं चल रहे हैं वो 25 से 30 कुएं अभी चल रहे हैं मौजूद जो अभी चलते हैं। तो काफ़ी सारे कुएं ऐसे भी हैं जो ख़राब हो चुके हैं। तो 25 से 30 कुएं लोग इसलिए इन्होंने बनाए हैं ताकि हर आदमी का एक अपना कुआं है और हर आदमी के पास एक अपना कैमल होना चाहिए जो जानवर रखता है। सूरज निकलने से पहले ये लोग कुओं से पानी निकालना शुरू करते हैं ताकि 12 से 1 के दरमियान इनके जानवर तमाम कुओं पर पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए ये पानी निकालते हैं ताकि पानी जमा कर लें, जब जानवर आए तो उनको पानी पिला सके। तो बहुत ही मेहनत का काम है, बहुत ही मुश्किलात का काम है। तो आज की वीडियो तमाम दोस्तों को उम्मीद है कि पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारे आ आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तमाम दोस्तों तक बार वक्त पहुँच सके। भास्कर उठ डर गया, भास्कर चक पाने की कोशिश करता है कि करता है।